पेट्रोल डीजल और सीएनजी के बढ़े दामों ने पहले ही जनता की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। वहीं अब ये महंगाई आपके किचन तक पहुंच गई है। जी हां, तेल और गैस कंपनियों ने अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को बढ़ा दिया है। बिना सब्सिडी वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 6 रुपए महंगा हो गया है, तो वहीं सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में भी थोड़ी वृद्धि की गई है। पहले खाद्य वस्तुओं के दामों में इजाफा, फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी और अब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि। तेल और गैस कंपनियां एक के बाद एक लोगों पर महंगाई का वार कर रही हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रही है। पेट्रोल डीजल के बाद अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिसके तहत बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में 6 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में 28 पैसे का इजाफा हुआ है। इन कीमतों को आज से लागू भी कर दिया गया है। बढ़ी कीमतों के बाद दिल्ली में सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 496.14 रुपए का हो गया है। अप्रैल में इसकी कीमत 495.86 रुपए थी। बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 706.50 रुपए से बढ़कर 712.50 रुपए हो गई। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 29 पैसे तक और बिना सब्सिडी वाला 6-6 रुपए महंगा हुआ है। वैसे फरवरी के बाद ये लगातार तीसरा महीना है जब रसोई गैस महंगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। आज भले ही पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ, मगर एक दिन पहले तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 5 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल के दाम में 5 से 6 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि कर दी थी। तेल और गैस कंपनियों ने इस बार आम जनता पर बड़ा वार किया है, लेकिन यहां भी सरकार जनता की हमदर्द बनने की बजाय अपनी ही धुन में नजर आ रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।